अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लामाबाद अपडेट से सहर खान का सलाम। आज हम आपको लाए हैं एक बहुत ही यूनिक प्लेस पर, इस्लामाबाद चक शहजाद रोड के ऊपर और बनी गाला से एडजेसेंट एरिया है जहां पर रावल डैम लोकेटेड है। बहुत ही एक्सक्लूसिव स्पॉट पे इस वक्त हम खड़े हैं और यहां से आप डायरेक्ट व्यू देख सकते हैं स्पिल वेज, जो कि रावल डैम के इनसाइड एक एक्सक्लूसिव टेरिटरी है जिस पे पब्लिक जो एक आमदोरफ्त है या पब्लिक की एंट्री है वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। यहाँ पर जो है ये रेड अलर्ट इशू हुआ जिसमें कि डैम की जो कैपेसिटी है, वाटर रिजर्वायर या पानी के जमा होने की जो कैपेसिटी रेड लाइन है वो क्रॉस हुई और उसके बाद स्पिल वेज ओपन किए गए। और आज हम देख रहे हैं कि मामलात और सूरत हाल मामूल पर है और अभी आपको हम इसका एक वाइड व्यू भी दिखाएंगे कि जो डैम में इस वक्त पानी की जो सिचुएशन है और पानी का जो लेवल है वो बहुत हाई है, बहुत फ्लो में है। इसके बाद हम वहाँ भी आपको लेके चलते हैं और डैम की सेरेनिटी, डैम की लोकेशंस, डैम के इर्द गिर्द की जो जो व्यूज़ हैं वो भी हम सब आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल सरदार साहब, SDO रावल डैम प्रोजेक्ट। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और डिटेल में पूछते हैं कि आप ये नज़्म व नस्क और ये मामलात कैसे चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम इस्लामाबाद अपडेट्स इस्लामाबाद के सिटीजन्स को और रावलपिंडी के सिटीजन्स के लिए, ट्विन सिटीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट वर्किंग और जो एक CDA जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और MCI, इनके मामलात, इनकी वर्किंग, इनके करंट प्रोजेक्ट्स उनको हाईलाइट करता है और शहरियों के सामने लाता है और उनके इसमें बहुत से ऐसे मैटर्स जो कि लोगों की डेवलपमेंट, लोगों के एरियाज़ वाइज कोई इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के इश्यूज़ हैं, रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। आज का जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है वो हमारा आपके साथ है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है, हम देख सकते हैं कि स्पिलवेज जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से जो हैं वो एक नज़ारा जो है वो यहाँ पे दे रहा है। हमें आपसे डैम की डिटेल्स, डैम की मैकेनिज़्म और उसके इंतज़ाम के बारे में जानना होगा ताकि हमारी पब्लिक जान सके कि यहाँ के मामलात आप कैसे रन करते हैं। और ये चूंकि आपने जैसे हमें बताया था कि ये पंजाब गवर्नमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो इस हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बेसिकली मैम, ये डैम जो था ये 1962 में वापडा ने बनाया था, उसके बाद ये 67 के अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हैंड ओवर कर दिया गया और इरीगेशन डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको टेक ओवर कर रही है और इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस को देख रही है। ये बेसिकली डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था कोरंग रिवर पे, जिसका मेन कैचमेंट एरिया था हमारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव और मरी का जो पिंडी पॉइंट्स के नीचे जो एरिया है वो इसमें शामिल है। तो कोरंग रिवर के अंदर ये एक पॉइंट के ऊपर एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया जहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता था। जब इस डैम को बनाया गया था तो इसके दो पर्पजेज थे। एक तो इसका था कि जो लैंड अवेलेबल है उसको इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करना, और सेकंड इसका पर्पस था रॉ वाटर सप्लाई करना भाषा को फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, जो कि है 23 MGD मिलियन गैलन पर डे जो डेली सप्लाई है, और वो वाटर जो है भाषा इसको आगे फिल्टर करके सप्लाई करता है रावलपिंडी को। और ये डैम आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद को सप्लाई नहीं करता। नहीं, इस्लामाबाद को नहीं, क्योंकि ये डैम जब कंस्ट्रक्ट किया गया था उस वक्त ये इसका इस्लामाबाद एग्जिस्ट नहीं था, उस वक्त इसलिए पिंडी को देता है। और इस्लामाबाद के लिए दो अदर डैम है, सिमली डैम और खानपुर डैम है, वहाँ से सप्लाई दी जाती है। रावल डैम की तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब फील्ड मार्शल अयूब के दौर में 1962 में ये डैम बनाया गया तो इस्लामाबाद उस वक्त वजूद में भी नहीं आया था और सिर्फ रावलपिंडी शहर आबाद था। रावल डैम एक आबी जखीरा है जो इस्लामाबाद रावल चौक चक शहजाद रोड के करीब वाक़ है। इस डैम में दरियाए कोरंग और कुछ नदी नालों का पानी जखीरा होता है। ये डैम रावलपिंडी शहर को फ्राहमी आब का अहम तरीन जरिया है। जी व्यूअर्स, बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। फैसल सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम इनसे जो जान रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत हिस्टोरिकल। चलते हैं फैसल सरदार साहब की तरफ। आप बता रहे थे कि ये जो स्पिल वेस का जो पानी है, ये जो एरिया है जो इसको गिवन है, जो अहाता है, वो कोरंग रिवर के साथ एडजेसेंट है और जो चैनल एक जा रही है स्ट्रीमर एक साइड पर जो एक हम देख रहे हैं, उसका भी आप हमें बताइए उसका
फंक्शन किया है और यहाँ पे जैसे ये स्टोरेज होती है तो इसकी भी डिटेल्स बताइएगा। बेसिकली मैं बता रहा था आपको कि डैम ये कोरंग रिवर के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। कोरंग रिवर के आगे जो इसका डैम था उसके दो पर्पजेज़ थे। द फर्स्ट पर्पज़ जो था वो इसको वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करना था और सेकंड पर्पजेज़ था इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करना, जिसके लिए दो चैनल्स हैं, एक लेफ्ट अपार्टमेंट से निकल रही है और राइट अपार्टमेंट से निकल रही है। राइट अपार्टमेंट से जो चैनल है वो वास्ता को डेली रॉ वाटर प्रोवाइड करती है 23 MGD मिलियन गैलन पर डे, ये डेली सप्लाई जाती है रॉ वाटर की, जिसको आगे वो फिल्टर करके आगे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को ये सप्लाई करते हैं। Right. ये इसके हवाले से। अच्छा, इसका टोटल इम्पैक्ट जो आप बता रहे थे कि पिंडी रावलपिंडी शहर के ऊपर जो है जी वो जी. सारा डिपेंडेंट है रावल डैम के पानी के साथ जी जी. और इस्लामाबाद को ये पानी बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता, डील नहीं करता जी। तो इस्लामाबाद के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि खानपुर डैम और सिमली डैम से उनको जो जरूरत है पानी की जरूरत है उसको पूरा करते हैं। अभी जो अलर्ट हमने देखा उसमें ये भी हमें सुनने में मिला कि पानी की जो एक लिमिट जो है वो बहुत एक्सीड हुई है और पानी की तादाद उसकी जो एक लिमिट है वो उसके ऊपर आ चुका था, तो उस वजह से अब पानी की शॉर्टेज नहीं होगी ट्विन सिटीज़ में। तो हमने ये ट्विन सिटीज़ के बारे में सुना था, जबकि आपके आप जो बता रहे हैं वो पिंडी के हवाले से बता रहे हैं। इसमें इम्पेक्ट था जो रावल डैम था, ये अगर आप देखें क्योंकि इस सीज़न के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो ये ओवरऑल अगर आप ऑनवर्ड देखें तो हमारा डैम आलमोस्ट फिल ही चल रहा था। जैसे ही रेनफॉल की फोरकास्ट होती थी तो हम इसको एक क्वेश्चन दे देते थे ताकि फ्लड मिटिगेशन के लिए कि अगर एक्सेस वाटर आ जाए उसको स्टोर कर लिया जाए, वो आगे उसको, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है कि हम एक्सेस वाटर एक लिमिट से ज़्यादा आगे स्पिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ आबादीज़ हैं गोरीडोन वगैरह आते हैं जो कि वहाँ पर पानी जाने का ख़तरा होता है। इसलिए एक स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट जो अराउंड 5 to 6,000 cubic है वही डिस्चार्ज करते हैं जब हमारा डैम कंप्लीट हो जाता है। और जहाँ से आप इस्लामाबाद की बात करें, क्योंकि सिमली डैम को देखें तो वो उसका लेवल इस साल वो भी हुआ है, स्पिल हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट क्योंकि उसमें स्टोरेज काफ़ी हो गई है, ओवरफ्लो हुआ है, उसका भी स्पिल चल रहा है, जैसे ही बारिश हो रही है स्पिल हो रहा है, तो उसकी भी अब वाटर लेवल उसका अचीव हो गया, तो वो भी एक हेल्पफुल होगा आगे वाटर सप्लाई के लिए इस्लामाबाद के लिए। हमें प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाने के हवाले से भी ये करामद है डैम की जो सिचुएशन है या पानी का जो जी। एक्चुअली ये जितने भी हमारे जैसे स्मॉल डैम्स के अंदर आते हैं, ये स्मॉल डैम्स हैं, इनके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती है, क्योंकि इन डैम्स का बेसिक पर्पज़ होता है वाटर की स्टोरेज एंड देन इरीगेशन, वाटर इरीगेशन के लिए लोगों को पानी सप्लाई करना। अगर इसको और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर चाहिए होता है, राइट तो इन डैम्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर उसको प्रोवाइड किया जा सके, उस लेवल के हेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि एक अच्छी इसकी कैपेसिटी उस तरह उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक वाटर स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल डैम्स के अंदर आते हैं। इनका बेसिक पर्पज़ इरीगेशन वाटर फॉर इरीगेशन पर्पजेज और स्टोरेज के लिए यूज़ होता है जी। जब मेरी आपसे बात हुई थी तो एक बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट हमें मिला कि जब ये डैम कंस्ट्रक्ट हुआ अयूब फील्ड मार्शल अयूब के दौर में, उस वक्त सिर्फ पिंडी शहर जो है वो सिचुएटेड था जी जी। तो इस्लामाबाद उस वक्त वजूद में नहीं था जी। तो ये डैम उस वक्त से ही सिर्फ पिंडी सर्व करने के लिए पर्पस के लिए बनाया गया है, इसकी डिटेल थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जब 1960s में ये डैम कम्प्लीट हुआ था, ये वापडा का प्रोजेक्ट था जिन्होंने कम्प्लीट किया था, और 1967 में इस डैम को वापडा ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर दिया। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको टेक ओवर कर रही है, तो इसलिए उस पॉइंट से ये है। और इस्लामाबाद जो कैपिटल था वो बाद में डेवलप हुआ था, इसलिए उसके लिए सिमली डैम और खानपुर से उसको वाटर सप्लाई दी जा रही है, और यहाँ से सिर्फ पिंडी डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई दी जा रही है 23 MGD डेली बेसिस के ऊपर, 23 मिलियन गैलन पर डे डेली के हिसाब से रॉ वाटर दिया जाता है, जो कि आगे एडजेसेंट टू डैम के ऑपोजिट साइड पे देखें तो वहाँ पे एक वाटर का फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ से फिल्टर होकर पानी आगे पिंडी को सप्लाई किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए ये भी बता दीजिए कि बोटिंग इस एरिया में तो मना है, लेकिन जहाँ आपने उसको अलाउ किया है और वहाँ पर क्या मामला है, किस तरीके से लोग वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। बोटिंग ऑफिशियली तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद रावल डैम के अंदर मोटर बोट और दूसरी बोट को बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इस डैम का वाटर पानी जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सप्लाई होता है, तो जो बोट्स होती हैं वो पोल्यूट करती हैं पानी को, उसके बोट्स पानी को पोल्यूट करती हैं जी, उसके जो इंजन चलता है तो उसकी वजह से, इसलिए यहाँ पे बोटिंग एक्टिविटी कंप्लीट बैंड है, इस किसी तरह की बोटिंग एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं है। राइट, और फिशिंग कुछ लोगों का होता है कि हम जाएं, फिशिंग के हवाले से इसको फिशेज डिपार्टमेंट टेक ओवर करता है,
हमारे जितने भी डैम्स हैं उनका आगे फिशरीज डिपार्टमेंट की ऑक्शन करता है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो कि इनको फिशेज के लिए यूज़ करते हैं वो पहले इसके अंदर अपना जो ब्रीड होती है उसको करते हैं, फिर उनको फीड करते हैं और उनको वो लेकर चलते हैं। और जो पब्लिक के लिए होता है वो फिशेज डिपार्टमेंट का होता है, वो उनको लाइसेंस इशू करते हैं, उस लाइसेंस के बाद वो यहाँ पे हुक्स की मदद से वो फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन उस हवाले से हमारा ये जो डैम का एरिया है ये क्योंकि की पॉइंट है, सिक्योरिटी की पॉइंट है, तो ये सेंसिटिव पॉइंट है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके दूसरे सराउंडिंग के एरियाज हैं वहाँ पे वो पब्लिक के लिए अलाउ कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। आप एक टेक्निकल पोस्ट पर हैं और बड़ा टेक्निकल आपकी जो है डोमेन है, तो हमें और कितने डैम्स की ज़रूरत होगी? इस्लामाबाद की हदूद में देखें तो आप क्या समझते हैं कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो डे टू डे मामलात हैं उसके लिए हमें कुछ और रिजर्वायर्स या इस तरह के डैम बनाने की ज़रूरत है या यही सफिशेंट है? ऑब्वियसली डैम्स की जो डिमांड है वो तो ख़त्म नहीं हो सकती है। इस हवाले से पोटवा रीजन का सबसे बड़ा जो मसला है वो है इनका वाटर। पोटवा रीजन के अंदर क्योंकि काफ़ी डीप जाके भी पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे पानी से काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसलिए कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे भी हैं और कुछ पे काम भी हो रहा है, लाइक डडोचा का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा शीरा का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आगे चौहान प्रोजेक्ट एक हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, इनके अंदर प्रोविजन रखी जा रही हैं जहाँ के जिसके तहत रॉ वाटर सप्लाई किया जाता है आगे डिफरेंट वाटर्स को, वो आगे सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली एक बड़ा इशू है वाटर सप्लाई पोटवा रीजन के लिए, तो उसके लिए डैम्स की ज़रूरत है। एक बहुत ही लास्टली हम आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिल रही थी उसकी डिटेल जानना चाहेंगे कि ये जो स्पिलवेज का एरिया है जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ तो इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए वो वाली मशीनरी रिक्वायर्ड थी जो स्टोन से डील करती है, और ये पहाड़ का एरिया था जो आपने बताया कि इसको कट किया गया, और जो स्टेयर्स दिखाई गई हैं यहाँ पे मौजूद हैं बनी हुई हैं वो पहाड़ ही का जो एक टुकड़ा है या पीसेज हैं उसी को जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। तो व्यूअर्स को ये बताइएगा क्योंकि ये बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक्चुअली डैम हमारे डैम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन्हीं में से एक टाइप है जिसमें ये ग्रेविटी डैम है जिसको स्टोन मैशनरी से बनाया गया, और जो स्टोन यूज़ किया गया है वो यहीं पे जो अवेलेबल स्टोन था डिफरेंट उसकी बटमेंट्स को उसको कट करके ही स्टोन को यूज़ किया गया जिससे ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया। जिस जगह के ऊपर वो पहाड़ मौजूद था उसी स्टोन से ये कंस्ट्रक्ट वहीं पे उसकी साइड पे जो उसी से डिज़ाइन किया गया है। जी वहीं से। और क्या बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर जहाँ पे हमारे अर्थफिल डैम है जहाँ पे सिर्फ अर्थफिल को यूज़ किया जाता है जी, तो वो भी सराउंडिंग एरिया से ही लिया जाता है। बिल्कुल, तो ये साइट की लिमिटेशंस की बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग विद यू, और बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन, बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो कि डैम के हवाले से हम पहली दफ़ा जान रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमें बहुत ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिली है और इसमें बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो आमतौर पर डैम्स के मामलों के हवाले से पब्लिक नहीं जानती है। वी होप कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अभी हम आपको डैम से लिंक्ड और रिलेटेड जो साइट्स हैं, साइट एरियाज हैं, उनका विजिट कराते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। रावल झील मारगला नेशनल पार्क के एक बिल्कुल अलग थलग हिस्सा में वाक़ है और ये इस्लामाबाद का एक मशहूर और मकबूल सियाहती मकाम है। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, जिसकी वजह से रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई हद को पहुंचने के बाद इंतजामिया ने स्पिलवेज खोलने के अहकाम जारी किए। हमने रावल डैम पर वाकई स्पिलवेज लोकेशन विजिट की और इस जगह के ये खूबसूरत मनाजिर आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। इंतजामिया के मुताबिक डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1752 फीट है। डैम से 6000 क्यूसेक पानी का अखराज किया गया
स्पिलवेज चंद घंटे खुले रहे, जिसके बायस डैम में आने वाला जायद पानी डिस्चार्ज किया गया।